20% डिस्काउंट रहता है उसका जी। अगर आप होलसेल में लेते हैं उसकी प्राइस अलग है। ये वाली इंग्लिश विलो है 2500-3000 से स्टार्टिंग वाली ऊंची वाली रेंज है। अच्छा अच्छा, यहाँ से सर ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम के भी कुछ बैट्स वगैरह जाते हैं? वो एक्चुअली डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, एसएसजी कंपनी मेरठ की है। अच्छा, तो प्लेयर्स डायरेक्ट वहीं से लेते हैं। अच्छा, तो जो ड्यूज बॉल के बैट होते हैं वो करीब करीब मान के चलिए 1000-1100 रुपए से स्टार्ट है। टेनिस बॉल के और करीब 100 रुपए से स्टार्ट, 100 रुपए के भी बैट्स मिल जाते हैं और फिर 50,000-55,000 तक के रेंज के बैट आते हैं। तो ये कश्मीर विलो के हैं छोटे बैट। अच्छा, इंडिया के तो समय आप मान के चलिए कि 70-80% प्लेयर जो है सब एसएसजी देख रहे हैं। क्रिकेट किट्स वगैरह वो क्या रेंज में मिल जाएंगे? क्रिकेट किट देखिए, ये रखी हुई है, ये क्रिकेट किट ही है, ये क्रिकेट किट है, ये ऐसी कंपनी की रेडीमेड क्रिकेट किट है। हाँ जी, हाँ जी, लगभग इसकी जो कॉस्ट है वो 4,000-4,500 रुपए जी। हाँ, ये क्या रेट में है? इसका प्राइस मान के चलिए आप 75 होलसेल प्राइस। सर यहाँ के मार्केट में और जैसे जलंधर का जो मार्केट है उसमें क्या डिफरेंस है? जलंधर के आइटम्स अलग हैं और मेरठ के आइटम्स अलग हैं। मेरठ में क्रिकेट का ज्यादा है। अच्छा, जलंधर में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल का ज्यादा है। अच्छा, 65 रुपए केजी ये प्राइस है इनका। ये रॉड वगैरह हैं, डंबल्स के रॉड। तो ये जो बैटिंग ग्लव्स हैं ये 899 रुपीज के हैं। अच्छा, ये वाले सारे लेदर बैट? सब लेदर के बैट हैं। ये एसजी के हैं सब जी। अच्छा सर, ये लेदर बॉल वगैरह हैं। ये रैकेट सर कौन सा है? ये योनेक्स का रैकेट है जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों अभी मैं हूँ अपने शहर मेरठ में और यहाँ पे मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ यहाँ के स्पोर्ट्स मार्केट में जो कि सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट नाम से फेमस है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी आपका मन करता है यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि आपके क्रिकेट बैट्स वगैरह हो गए, बैडमिंटन रैकेट्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी आपके मन में आता है यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ से जो भी चीज़ें आप लेंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही कम दाम पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे किसी दुकान वगैरह पे मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मली यहाँ पे आपको मिल जाती हैं और किस प्राइस में आपको मिल जाती हैं, सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं। तो सीधा हम लोग चलते हैं सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट में। तो यहां से सूरजकुंड मार्केट स्टार्ट हो चुका है। आप जो दुकानें यहां पे देख पाएंगे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में ही, ज्यादातर दुकानें आपको यहां पे स्पोर्ट्स की नजर आएंगी। तो मैं यहाँ आप सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट में आ गया हूँ और यहाँ एक शॉप में मैं बैठा हूँ अभी। आशा स्पोर्ट्स नाम से ये शॉप है और इस शॉप के ओनर मेरे साथ बैठे हुए हैं। और सर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे यहाँ पे क्या क्या आइटम्स वगैरह मिल जाते हैं? यहाँ पर स्पोर्ट्स की लगभग सारी आइटम मिलती हैं, प्लस जिम इक्विपमेंट मिलते हैं, स्पोर्ट्स की हॉजरी भी मिलती है। हाँ जी, सभी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी। तो सर इसका प्राइस वगैरह कैसे, मतलब जैसे कि क्रिकेट बैट्स हो गए तो क्या रेंज में आपके पास? क्रिकेट बैट अगर ब्रांडेड अगर आप लेते हैं जी, तो जो ड्यूज बॉल के बैट होते हैं वो करीब करीब मान के चलिए 1,000-1,100 रुपए से स्टार्ट है और फिर 50,000-55,000 तक के रेंज के बैट आते हैं। तो मतलब उसमें सर डिफरेंस क्या क्या होते हैं? जैसे कश्मीर विलो की होती है स्टार्टिंग रेंज लगभग। अच्छा, मान के चलिए जो 2,500-3,000 तक की होती है। इसके बाद इंग्लिश विलो स्टार्ट होता है 2,500-3,000 से और वो 50,000 तक जाता है। सर ये जो MRP लिखा हुआ है इन पे सर ये वही मिलेंगे इस पे कि थोड़ा डिस्काउंट रहता है? MRP पे डिस्काउंट है भैया। अच्छा, जैसे ये 4,500 का इस पे लिखा हुआ है जी, इस पे हम डिस्काउंट देते हैं 20% डिस्काउंट रहता है उस पे जी। अगर आप होलसेल में लेते हैं उसकी प्राइस अलग है। अच्छा, डिस्काउंट थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये मैंने आपको बताया, ये रिटेल कस्टमर के हिसाब से रेट बताया जी। जी तो सर जैसे मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि अगर कोई बाहर में लेता है जैसे यहाँ स्पोर्ट्स मार्केट से नहीं कहीं और जगह से लेता है तो उसको ये चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ जाएंगी। हाँ, मेरठ के बाहर से तो MRP में मैक्सिमम 5%-10% मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, कुछ जगह ऐसी जहाँ MRP में बिकता है माल। यहाँ से सर ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम के भी कुछ बैट्स वगैरह जाते हैं? एक्चुअली डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, SSG कंपनी मेरठ की है। अच्छा, तो प्लेयर्स डायरेक्ट वहीं से लेते हैं। अच्छा, कुछ आइडिया किन किन कौन कौन प्लेयर्स यहाँ के बैट से खेलते हैं? इसे इंडिया के तो सर आप मान के चलिए कि 70-80% प्लेयर जो है सब SSG से खेल रहे हैं। अच्छा, आज की इवन विराट कोहली वगैरह का, रोहित शर्मा का, सबका यहीं से जाता है बैट। ये प्रोटेक्टिव किट है स्केट्स की, स्केट्स की किट है ये। अच्छा अच्छा, ये उधर भी लगे हुए हैं। हाँ जी, स्लिपर्स हैं, ये बैट्स हैं सब। ठीक है ठीक है। बैट सर कम रेंज वाले भी मिल जाते हैं जैसे मैंने देखे हैं? हाँ, तो वो कैसे? टेनिस की बॉल के होते हैं, टेनिस बॉल के, और करीब 100 रुपए से स्टार्ट, 100 रुपए के भी बैट्स मिल जाते हैं। टूट जाते होंगे जल्दी सर वो? ऐसे तो बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों के होते हैं। अच्छा, ये सब लेदर की बॉल के बैट्स हैं। अच्छा, ये वाले सारे लेदर बैट? सब लेदर के बैट हैं। क्या क्या रेंज में होंगे सर ये? ये जो है ये वाली रेंज तो इंग्लिश विलो है। ये जो ये वाली इंग्लिश विलो है 2,500-3,000 से स्टार्टिंग वाली ऊंची वाली रेंज है। अच्छा अच्छा, 4,500-6,000-10,000 ये 2,500-3,000। अच्छा, ये आगे फिर बढ़ते चली जाती है रेंज इनकी। और वो वाली जो है वो छोटे बैग कश्मीर विलो है। ये कश्मीर विलो के हैं छोटे बैग। अच्छा, इनकी प्राइसिंग मान के चलिए आप करीब करीब 1,000-1,200-1,500। अच्छा, 1,000-1,200-1,500 सर ये। अच्छा, ये पतले वाली, ये वाले क्या जी? छोटे, ये छोटे बैग एक्चुअली।
साइज छोटा है इनका, साइज छोटा है इनका, और कश्मीर विलो है जी। जी देखो लेदर कौन सी है जी, एस जी के हैं सब जी। हाँ अच्छा अच्छा, ये लेदर बॉल वगैरह हैं। 12 पीस का बॉक्स होता है, 12 पीस का बॉक्स है। सर कितना है ये बॉक्स का प्राइस वैसे? 5988। ये 5988 का इसमें MRP डला हुआ है। अगर आपको ये चाहिए तो वही 20% करीब मान लीजिए इस पर MRP पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिंगल पीस अगर लेना है सर किसी को तो मिल जाएगा, लेस करके मिल जाएगा MRP के हिसाब से। अच्छा, ये रैकेट सर कौन सा है? ये योनेक्स का रैकेट है जी। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस होगा इसका? योनेक्स GR 303 है जी। अच्छा। और इसका जो रिटेल प्राइस है वो मान के चलिए आप लगभग 450। अच्छा 450 का, वैसे कितना मिल जाएगा ये मतलब होलसेल में या कैसे मतलब रिटेल में? सर रिटेल में अगर किसी को, इसकी MRP जो है सर वो है 790। ओके 450 एक्चुअली मेरठ में रिटेल प्राइस है जी, बाकी मेरठ से बाहर से अगर आप लेंगे तो आपको 600-650 कम नहीं मिलेगा। अच्छा, और क्या क्या आइटम है सर? ये डंबल्स वगैरह जी, ये किस रेंज में मिलता है? डंबल है जी। हाँ जी, ये 15 kg का, 15 kg का एक है, 65 rupees per kg। 65 per kg जी। ये स्टील है? ये लोहे के ऊपर क्रोम पॉलिश हुई है। अच्छा अच्छा, लोहे के ऊपर क्रोम। और ये जो रबर वाले, रबर डंबल है जी, इनका क्या प्राइस है? 45 rupees per kg। 45 per kg जी। ये थाई पैड है, ये थाई पैड जी। किस रेंज में होंगे जी थाई पैड? इसमें सर ये मान के चलिए 450 है, 650 है, 750, बहुत रेंज आती है। अच्छा अच्छा, किट वगैरह जो होती हैं सर जैसे क्रिकेट किट्स वगैरह, वो क्या रेंज में मिल जाएंगी? क्रिकेट किट देखिए ये रखी हुई है, ये क्रिकेट किट ही है, ये क्रिकेट किट है, ये ऐसी कंपनी की रेडीमेड क्रिकेट किट है। हाँ जी हाँ जी, लगभग इसकी जो कॉस्ट है वो 4,000-4,500 रुपये, 4,500 एक बच्चे का पूरा सामान होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा नॉर्मली, वैसे बाहर के शहरों में मतलब कितना होगा? बहुत सारी जगह तो हमने देखा है कि मतलब डबल प्राइस में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, डबल प्राइस तक में भी जाता होगा। हाँ जी, तो SG और SS जो है यहीं के ब्रांड है मेरठ की, और अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा कॉस्को है, निविया है, देखिए ये रहा। हाँ जी, सब निविया के प्रोडक्ट हैं, ये कॉस्को है, कॉस्को, निविया वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सर बॉल वगैरह भी हैं? निविया कंपनी जालंधर की है। अच्छा, निविया जालंधर की कंपनी है, कंपनी गुड़गांव की है, और कॉस्को गुड़गांव की। तो ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पैड्स वगैरह आप देख लो, ये पैड्स लगे हुए हैं। तो ये पैड जैसे ये वाला जो है सबसे लेफ्ट वाला, ये 2399 का इस पर MRP लगा हुआ है, और ये वाला जो है 1899 जिस पर लिखा हुआ है, तो 20% करीब इन पे सब पे डिस्काउंट मिल जाता है। ये बैट्स वगैरह, हॉकी स्टिक्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। हॉकी स्टिक सर क्या क्या रेंज में है? जैसे हॉकी स्टिक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बिकती है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, हॉकी का इधर जरा जालंधर साइड में थोड़ा ज़्यादा है। हाँ जी हाँ जी, मेरठ की है जी। हाँ, ये क्या रेट में है? इसका प्राइस मान के चलिए आप 75 होलसेल प्राइस। अच्छा, और सर फुटबॉल वगैरह? फुटबॉल सर, फुटबॉल ये लगी हुई है। हाँ जी, सब निविया कॉस्को फुटबॉल से। अच्छा, लिस्ट में ज़्यादा तो इतना जगह होती वाली बात है, बाकी सब डिब्बे जो है वॉलीबॉल फुटबॉल के हैं। अभी इन्फ्लेटेड नहीं होंगे? हाँ, तो सर यहाँ के मार्केट में और जैसे जालंधर का जो मार्केट है उसमें क्या डिफरेंस है? जालंधर के आइटम्स अलग हैं और मेरठ के आइटम्स अलग हैं। क्रिकेट का ज्यादा है। अच्छा, जालंधर में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल का ज्यादा है। अच्छा जी, तो ये रॉड वगैरह हैं, डंबल्स के रॉड। ₹65 kg ये प्राइस है इनका। ये हैंड ग्लव्स वगैरह यहाँ पे हैं, क्या प्राइस है इसका सर? तो ये जो बैटिंग ग्लव्स हैं ये 899 rupees के हैं, SG का है। और यहाँ ऊपर में और भी कई सारे ग्लव्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे सब चीज़ें मिल रही हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये शॉप का नाम भी मैंने इसमें बता दिया है, आशा स्पोर्ट्स नाम से शॉप है। इनका कार्ड वगैरह भी मैं इसमें लगा दूंगा, और आप आएँ तो यहाँ मेरठ आएँ तो आप ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं, और अपनी कोई भी स्पोर्ट का आइटम आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सर ये बाकी जैसे बाकी रिटेल में जो लेते हैं बाकी शहरों से, वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं वहाँ पे, ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे फिर भी काफ़ी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर MRP पे डिस्काउंट हम लोग अच्छा दे देते हैं, और जो बाहर जो लोग बेचते हैं उस पर डिस्काउंट वो कम देते हैं, इसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। किसी को बाहर में अपना बिजनेस वगैरह एस्टैब्लिश करना हो और अपना यहाँ से अगर आपको भेजना हो तो यहाँ से भेजा जा सकता है वैसे? बिल्कुल। कुरियर वगैरह के चार्जेस वगैरह वो सब कितने लगते होंगे नॉर्मली? जैसे बल्क में जो माल जाता है वो कुरियर से ट्रांसपोर्ट से जाता है। ट्रांसपोर्ट से जाता है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया के लिहाज से ट्रांसपोर्ट की पूरी वो है।
अगर ऐसे किसी को रिटेल में मंगाना हो तो रिटेल में फिर बाय कोरियर हम लोग भेज देते हैं सिंगल पीस अगर कोई मांगता है। हाँ जी, तो आजकल जैसे नेट के जमाने में लोग सर्च कर लेते हैं, पूछते हैं हमें ये वाला बैट चाहिए कितने, हमने प्राइस दी, उन्होंने पेमेंट डाल दी, हम जी जी कोरियर से भेज दिया। तो तरीका क्या है, मतलब किसी को आपके अगर मंगाना है तो आपके अकाउंट में पहले पैसे डालना पड़ेगा फिर आप भेज देंगे। तो पेमेंट करने के लिए आप ये है भीम ऐप है, तो आप फोन पे वगैरह और गूगल पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये अमेज़ॉन का भी लगा हुआ है, ये QR कोड स्कैन करके यहाँ से आप पे कर सकते हैं, ये आपको भेज देंगे, आप उस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ये कार्ड मशीन भी है, आप चाहें तो यहाँ पे आते हैं तो आप कार्ड से भी स्वाइप करके पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ ये मेरठ का स्पोर्ट्स मार्केट घूमकर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरठ से हैं या फिर आसपास के किसी भी शहर से हैं या फिर आप मेरठ घूमने आ रहे हैं स्पेशली, तो आप इस स्पोर्ट्स मार्केट में ज़रूर जाएं। आपने देखा होगा कितने ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।